सच में मम्मी जी, आज अब इतनी ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और तुम भी कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहुरानी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम वेस्टर्न में इतनी प्यारी लगते हो। प्रीति माँ, ये सब क्या है? पर माँ, आप ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? इतना मॉडर्न जमाना है, क्या मैं ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती इस जमाने में? माँ, माना जमाना मॉडल है, पर इस उम्र में आपके ऊपर ये कपड़े शोभा नहीं देते। क्यों, किस किताब में लिखा है कि मैं इस उम्र में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? और हाँ, वैसे भी हम दोनों किटी पार्टी में जा रहे हैं, अब तू हमें रोक मत। क्यों बहू? माँ देखिए, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो तुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगा तो तू एक काम कर ना, मुझे आके थप्पड़ मार दे। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है, आ मार मुझे थप्पड़ अब। माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको थप्पड़ कैसे लगा सकता हूँ, और वो भी इस बात पे कि आपने छोटे कपड़े पहन रखे हैं। अच्छा तो तू मेरी बहू को कैसे मार सकता है? क्या मतलब? नितिन देखो ना, मैंने ये न्यू ड्रेस ली है, वन पीस, सुंदर लग रहा है ना? तम्मी जोरब, ये क्या कपड़े पहने के तूने, ये आधा शरीर किसको दिखा रही है तू? है नितिन, तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मैंने गलत क्या करा है? ये कपड़े मैं तुम्हें तो पहन के दिखा रही हूँ, कौन सा बाहर जा रही हूँ, इस चार दीवारी में तो हूँ। पहले तुमने मुझे छोटे कपड़े पहनने से मना करा, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, फिर तुमने जीन्स पहनने से मना करा, और अब तुम मुझे रात को तुम्हारे सामने भी ये कपड़े पहनने से मना कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? और आजकल की लड़कियां ऐसी मॉडर्न कपड़े पहनती है, तो तुम्हें क्या हो गया है? ओए मेरी बात कान खोल के सुन, तू ना मेरी बीवी है, मुझे मतलब नहीं है कि दुनिया की बीवी कैसे कपड़े पहनती है। मेरी बीवी पूरे कपड़े पहनेगी, सूट और सलवार, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं पहनोगे। अगर मैंने तुम्हें आज के बाद इन कपड़ों में देख लिया ना, या जीन्स में भी देख लिया, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और एक चीज और, तुम अपने मायके में नहीं हो, तुम ससुराल में हो, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, जैसे कपड़े मैं बोलूंगा ना तुम्हें वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक नहीं रोका छोटे कपड़े पहनने से, इवन कोई से भी कपड़े पहनने से, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने टोकने वाले? अच्छा तुम मुझसे पूछे कि मैं कौन होता हूँ? मैं तेरा पति हूँ, और जैसे मेरा मन करेगा ना मैं तेरे साथ वैसे करूंगा, और जैसे कपड़े बोलूंगा तुझे वैसे कपड़े पहनने होंगे। और सुन, आज तो तू ये कपड़े पहन के मेरे सामने आ गई है, आज के बाद तूने ऐसे कपड़े दोबारा पहने ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब एक काम कर, इन कपड़ों को बाहर फेंक क्या, चल फेंक। लेकिन मेरी बात तो सुनो कम से कम। एक बार सुना ही दिया, चल निकल निकल। अरे बेटा क्या हुआ तुमको, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी आपको तो पता ही है ना, मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना कितना पसंद है, और मैं आजकल की लड़की हूँ, मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ। मम्मी जी आपको पता है मैं हमेशा से मॉडर्न ड्रेसेस पहनती थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं रोका मॉडर्न ड्रेसेस पहनने के लिए, लेकिन नितिन मुझे हमेशा रोकते हैं, मुझे कोई कपड़े नहीं पहनने देते, मैं जब भी छोटे कपड़े पहनती हूँ तो मुझ पर चिल्लाते हैं, मुझे कहीं आने जाने नहीं देते। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? आपको तो पता है ना, जो आपकी बेटी है यानी कि मेरी ननंद, वो भी तो छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन उनकी भी तो शादी हो रखी है, उनको तो कोई नहीं रोकता, फिर मुझे क्यों रोकते हैं? बेटा उसकी तो शादी हो गई ना, अब तो उसके ससुराल वाले देखेंगे उसको। सही कहा मम्मी जी आप, उनके ससुराल वाले ही देखेंगे। लेकिन मम्मी एक बात बताओ, कल को दीदी आपको फोन करती है और बोलती है कि मेरे घर में मेरे ससुराल वाले मुझ पर फाउंडेशन लगा रहे हैं, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे, मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनने दे रहे, यहाँ तक कि उनको खाने पीने में, उनको कपड़े पहनने में, उन्हें कहीं आने जाने में रोक टोक लगा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ जाहिर सी बात है बेटा, बुरा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही मम्मी जी, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। आपको पता है कल तो हद हो गई, कल मैं इतने प्यार से अपने लिए वन पीस खरीद के लेकर आई, मैंने उनको घर के अंदर पहन कर दिखाया, लेकिन उन्हें वो भी पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझ पर हाथ छोड़ा, मुझे बहुत उल्टा कहा और बोला अगर कि आज के बाद तूने ऐसे छोटे कपड़े पहने या वाहियात कपड़े पहने तो तुझे मैं घर से निकाल दूंगा। मम्मी अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मैंने क्या गलत कर दिया इसमें? तू टेंशन ना ले, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मैं उससे बात करूंगी, परेशान ना मेरा, ठीक है? अरे तो मेरे बेटे जैसी बहू के ऊपर ऐसा अत्याचार करता था, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अब क्या ये घर में भी छोटे कपड़े नहीं पहन सकती? तू होता कौन है रोक टोक करने वाला? और मैं आज से ये हक देती हूँ कि ये घर में छोटे कपड़े पहनेगी, और मेरी बहू मॉडर्न बन के रहेगी, और आज से मैं भी छोटे कपड़े और मॉडर्न कपड़े पहनूंगी। तुझमें हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। हाँ माँ मैं समझ गया कि मैं कितना गलत था, जमाने की छोटी सोच के साथ में मैं अपनी सोच रख रहा था, मुझे पता चल गया कि जमाना आप कितना भी अच्छा सोच लो या फिर आप कितना भी अच्छा इंसान के लिए कर लो, ये जमाना आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो हमेशा आपको गलत बताएगा। आप कुछ भी काम कर लो तो अब मैं जमाने की फिक्र नहीं करूँगा। और प्रीति तुम्हें जैसे भी कपड़े पहनने हैं तुम पहन सकते हो, और तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। और माँ आप लोग किटी पार्टी में जाते ना तो ठीक है, आप लोग जाओ और इन्हीं कपड़ों में जाओ और खूब इंजॉय करो। ये हुई ना बात,
और बहू तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो तो तुम उसे शेयर कर सकती हो। मैं बाकी सास जैसी खड़ूस माँ नहीं हूँ, तो तुम मुझे आके शेयर कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। लव यू मम्मी। आई लव यू।